Hello, children. How are you all? I hope you all are doing really good. So, children in GK, today we are going to study about facts about Olympic Games. So, let's start the chapter. Olympics are the most prestigious and biggest event of sports. Almost all the countries participate in Olympic. Given below are some interesting facts about Olympics. Fill in the blanks with the help of गिवन हेल्प बच्चों ओलंपिक्स को प्रेस्टिजियस और बिगेस्ट इवेंट माना जाता है यहाँ पे हर कंट्री के जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं भाग लेने के लिए आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं ठीक है अब यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताया गया है जो कि किसके ऊपर है ओलंपिक के ऊपर है आपको क्या करना है क्लू बॉक्स से उस वर्ड को ढूंढना है और उस ब्लैंक में फिल करना है जैसे कि फर्स्ट है ओलंपिक फ्लैग फर्स्ट रेज इन डैश एट एंड रेप गेम्स अब ये जो ओलंपिक फ्लैग है ये कब रेज किया गया था ये 1920 में रेज किया गया था कहाँ पे? एंड रेप गेम्स में ठीक है सेकेंड द 2012 थाउजेंड ट्वेल्व ओलंपिक गेम्स वॉर हेल्ड इन डैश जो 2012 के ओलंपिक गेम्स थे वो कहाँ पे हुए थे वो लंदन में हुए थे थर्ड डैश वॉन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन 2020 टोक्यो गेम्स अब नाम तो आपको पता ही है नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा ने 2020 में टोक्यो गेम्स में काफी गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीते थे फोर्थ द 2024 ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड इन डैश तो बच्चों अब नेक्स्ट ओलंपिक कब होने वाले हैं 2024 में होने वाले हैं और कहाँ होने वाले हैं ये होने वाले हैं पेरिस में फिफ्थ द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इज बच्चों अगर आपको ओलंपिक की हिस्ट्री के बारे में पता है तो आपको उसके फादर के मतलब कि इन्होंने इसे इन्वेंट किया था कि इन्होंने इसे स्टार्ट किया था उनके बारे में आपको पता ही होगा उनका नाम है प्यारे डे कोबर्टिन इन, ठीक है इन्होंने सबसे पहले ओलंपिक गेम की शुरुआत की थी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन अब आपसे पूछा गया यहाँ पे कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है सबसे पहले कहाँ पे हेल्ड हुए थे ये एथेंस में हुए थे सबसे पहले ठीक है सेवन फाइव रिंग्स ऑफ ओलंपिक सिंबल रिप्रेजेंट अब जो ओलंपिक के जो रिंग्स हैं जो सिंबल हैं, उसमें आपने देखा होगा क्या होते हैं फाइव रिंग्स होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ये हमारे फाइव कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एट ओलंपिक टॉर्च वाज फर्स्ट लाइटेड इन डैश एट एम्सटरडेम अब ओलंपिक की जो टॉर्च है वो फर्स्ट लाइटेड हुई थी कब हुई थी कहां हुई थी ये हुई थी नाइनटीन में एम्सटरडेम में ठीक है नाइन्थ द ग्रीन कलर ऑफ फाइव रिंग्स रिप्रेजेंट द कॉन्टिनेंट ऑफ डैश अब आपने ओलंपिक का जो सिंबल है वो देखा ही होगा उसका लोगो आपने देखा ही होगा उसमें क्या होते हैं अलग अलग कलर के क्या होते हैं सर्कल्स होते हैं तो आपसे पूछा गया है जो उसमें ग्रीन कलर का जो सर्कल है वो किसे रिप्रेजेंट करता है वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया जो आपका कॉन्टिनेंट है उसे रिप्रेजेंट करता है टेंथ रवि दहिया एंड इंडियन फ्री स्टाइल रेस्टर हु द सिल्वर मेडल इन डैश ओलंपिक गेम्स अब यहाँ पे आपसे पूछा गया रवि दैया जो है वो कहाँ के हैं इंडियन फ्री स्टाइल रेस्लर है तो उन्हें किसके लिए अवार्ड मिला था उन्हें रेसलिंग के लिए अवार्ड मिला था ठीक है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था कब ओलंपिक गेम्स में इलेवेंथ डैश वॉन द सोसर गोल्ड इन 2020 ट्वेंटी गेम्स एट टोक्यो अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने सोसर गोल्ड जीता था 2020 गेम्स में ठीक है तो यहाँ पे आपको ब्राजील का नाम लिखना है क्योंकि ब्राजील ने सौ सौ गोल्ड जीता था तो बच्चों ट्वेल्थ है ओलंपिक गेम्स वर फर्स्ट हेल्ड इन डैश अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ओलंपिक गेम्स सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुए थे कौन से ईयर में स्टार्ट हुए थे तो आप इसका आंसर है 776 बीसी में सबसे पहले ये स्टार्ट हुए थे नॉलेज कॉर्नर विंटर ओलंपिक गेम्स फर्स्ट हेल्ड इन 1924 एट चैमोनिक्स फ्रांस बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि विंटर ओलंपिक्स गेम्स जो थे वो फर्स्ट कहाँ पे स्टार्ट हुए थे 1924 में स्टार्ट हुए थे फ्रांस में एक जगह है जिसका नाम है चैमनिक्स वहाँ पे ये स्टार्ट हुए थे पैरालंपिक्स गेम्स आर जनरली हेल्ड इन द सेम ईयर एंड एट द सेम वेन्यू वेयर द समर गेम्स आर हेल्ड पैरालंपिक गेम्स जो होते हैं वो जनरली उसी ईयर में स्टार्ट होते हैं और उसी जगह पे ये स्टार्ट होते हैं ठीक है जहाँ पे समर गेम्स हुए तो बच्चों क्लियर है ये चैप्टर आपको आई होप आपको ओलंपिक्स के ऊपर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा अब इसका रिविजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे